कैमरा चालू है, नाक से उंगली निकाल लो। तो कहना बुरी कर क्या, पहले कैमरा चालू करने के पहले बोलना नहीं क्या कि चाचा चालू कर दिया, मैं नाक में उंगली डाल रहा ना वहाँ पे। हाँ नहीं तो। अरे बात। हाँ चालू कर दिए। अन देखो आज इतनी जरूरी बात करनी है, वो बुरीगत का अभी तक आया नहीं, अब थोड़ी देर बाद आएगा और फिर दोनों ऐसे हाथ मसलते मसलते तुम्हारा सामने आके खाएगा। अब हम देख रहे हैं भैया जी के बोल। अरे बुरीगत के पहले मेजबान तुम होगे हम। नमस्कार दोस्तों। चाचा आप स्टूडियो में कैसे आए? भाई हमारी शूटिंग चल रही है। ऐसे देखोगे ना बुरीगत के झापड़ा, कितनी देर से आया तू, वो जुस्ते में अब से खड़ा हो रहा मैं तेरे पास। हाँ तो मगर आप यहाँ पर क्यों आ गए? अभी पड़ोसी होने का एक बड़ा ये बड़ा जो है ना ये नुकसान है। जब चाहे जब चाचा आप आ जाते हैं, आप अपना काम करिए। और ये लग कैसे नहीं रहा? बॉप रो बॉप ज्यादा लाइटर नहीं दिख रहा, उसको पकड़ रहा वहां पे। अकल नाम की चीज है कि नहीं तेरे पास रे? है गलती हो। तो चाचा आप बैठिए वहां पर, बैठिए। पानी वानी पीला चाचा? है पानी नहीं पीना मेरे को, बोले गज के अंदर गुस्सा फूट रहा मेरे। मेरे को बात है कहीं ना, लोगों से बात करने आया मैं, अन तू बीच में आना मत बुरे गज के, नहीं तो तेरा है ना रोज के 250 रुपए झीन लूंगा, रोटी के लिए मोहताज कर दूंगा तेरे को। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारे एक मेहमान आने वाले। चलिए ठीक है, पहले आपका कर लेते। मेरा चलेगा अन तेरे बेटा कलेक्टर भी आ रहा हूँ तो कहीं ना बाहर बैठ, वो तेरे को पैसे नहीं देता, मैं देता हूँ पैसे तेरे को। अन गुप्त बैठ गया। अरे जब अन सुनो तो बुरे गज को, ये मेरे को लग गई जरा, एक बार पूछ तो लो बेशर्मो, आवाज निकाल लो गले में से, चाचा लगी कैसे? चाचा लगी कैसे? हाँ देखा मैंने कैसा बेशर्म कहा तो इसकी आवाज निकल गई। मतलब तू मानता है कि तू बेशर्म है? अरे कैसी लगी बुरी गत के मालूम क्या? अभी आपने बोला कि पूछ लो, एक तो पूछो और ऊपर से इनकी सुनो। चाचा लगी कैसे आपको? अरे बुरी गत के क्या हुआ, परसों के दिन तेरी चाची को बिठा के ले जा रहा था मैं। हाँ बाजार में कंधे पर। अरे गाड़ी पे बुरी गज के। उसको कंधे पे बिठाएगा ना बेटा, कंधे उतर जाएंगे तेरे। चला भाई गाड़ी पे चल रहा था, हल्की फुल्की बरसात थी। हाँ। मैं को लगा सड़क है। हाँ। थोड़ा पानी है। हाँ। बेटा मैंने गाड़ी डाल दी, देखो मालूम ऐसी गाड़ी जा रही थी और ऐसी उतर गई बेटा। अरे मेरा बाप, भेजे फिट के गड्ढे होते क्या सड़क के अंदर रे बुरी गज को रे? मतलब आप जो है गड्ढे में गिर गए? बुरी गज के 6 फीट का गड्ढा, मैं साला पागल हो गया। मैं पहले तो हाथ डाल के मैंने खोजा तेरी चाची को ढूंढा, हाँ। खींचा तो कोई तीसरी जम्मा निकल गई फंसे। अरे बाप रे। देखो कहीं ना कि बेटा मैं परसों गिरी थी, तूने आज निकाल ली मेरे को। अरे मैंने बोला हटवो चाची, हाँ। मेरी औरत किधर है? मैंने कहा निकलना रे हसीना बाहर, 6 फीट का गड्ढा, छोटे मोटे बच्चे तो कोई वो करना ना, तेरा की सीखना हो उधर आ जाना घेर के गड्ढों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना बेटा मालूम क्या तेरे को, सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बनी है हमारे यहाँ। हमारे वो छोटे बच्चों को देखा क्या, छोटे बच्चे कैसे खेलते हो बचपन में? हाँ। आमलेट तक्का आमलेट। हाँ। हमारे देर के बड़े लोग खेलते नीचे देख के, सड़क पे चलते ना तब आमलेट पक्का आमलेट तक्का। बुरी गज के गड्ढे इतने पड़े, इतने इतने जगह मिलती पाँव रखने को। पता है हमें आप बड़े 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 नाराज हैं, आपको आपकी गाड़ी जो है गड्ढे में गिर गई। नाराज क्यों नहीं होगा, 400 रुपए के तो साकर तोड़ डाले, 800 रुपए और डॉक्टर ने 3,000 का टोपा पिना दिया मेरे को, 38 रुपए तू देगा क्या बुरी गज के? मैं क्यों दूंगा? तो जिनसे जिनको गड्ढे भरना उनको खाए हाँ तो, दे मेरे को जो 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 किसने गड्ढे खड़े? वो गड्ढे तो आप लोगों ने खड़े, हमने गड्ढे करे बुरी गज के। है ना मेरा तो मन करता है ना, रात को पागल हूँ मैं, गेतियां लेके जाके सड़के खोद डालता हूँ। अरे बुरी गज के समय के बाद सड़क में गड्ढे होते हैं, जितने ये पद पे आसीन लोग है ना, इन्हें का काम होता उसको भरने का, तो ये गड्ढे नहीं भर रहे बेटा, जेब भर रहे खाली। देखिए चाचा मैं समझ गया, आप भी उन लोगों में से हैं जिनको जिनकी गाड़ी गड्ढे में गिर गई और वो लोग बड़े परेशान हैं, शहर में गड्ढे हैं। परेशान नहीं बुरी गज के, मेरे सीधे हाथ को तोड़ डाला, अन्न में खाना अब उल्टे हाथ से खाना पड़ता, मेरे को बड़ी घिन आती बेटा। समझ गए, इसका इलाज है, इसका इलाज है क्या? देखिए जहाँ भी गड्ढे हैं, हाँ। हम प्रशासन को बोल देते हैं, वो गड्ढों के इस ओर और इस ओर बकायदा बोर्ड लगा देंगे और बोर्ड पर लिखवा देंगे। हाँ ऐसा लिखवा दो बोर्ड के ऊपर, हाँ। कि जिसको तैरना आए वही गड्ढा पार करे। है ना, क्योंकि बेटा ढेर का गड्ढा है, इस टाइप से तो पानी भरा उसके अंदर, गड्ढे से नहीं भरोगे बेटा, गड्ढे में डूब के मर जाएगा तू। देखिए देखिए चाचा, आप ऐसा नहीं कह सकते, आपने देखा कई पुलिस वाले बेचारे ईंट उठा उठा के गड्ढे भर रहे, हाँ, वो
वो वीडियो मैंने भी देखे ले, मेरे को मत समझा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ बुरीगंज के, पुलिस का काम गड्ढे भरना है कि चोर को पकड़ने का है, एंड मर्डर फर्डर होंगे ना तो आप पुलिस में जाएगी बेटा, अब उधर तू निगम के लोगों को भेज देना, एंड पुलिस गड्ढे भर रही है। तो फिर ठीक है, जिसका जो काम है वो करे। वो मेरे आगे क्या बात कर रहे तू मेरे शहर की? मेरा शहर इतना महान है बेटा, है लोगों क्या सड़कों में गड्ढे होते हैं, मेरे यहाँ पे बड़े पुल के ऊपर गड्ढे कर दिए। आगे बोली गत को कौन समझाए कि पुल के नीचे कहीं नहीं होता, आदमी गिरेगा तो नीचे गिरेगा, गड्ढा करा के खाई बना दी तुमने रे। परेशान परेशानी। देखिए चाचा, हम तो फिर भी देखिए ये कहेंगे कि जो पानी का जो आधा गिलास होता है वो कई लोगों को आधा खाली नजर आता है और कई लोगों को आधा भरा नजर आता है। अरे जिनके जिनकी बात कर रहा ना तू, जिनका पक्ष ले रहा है, उनको गिलास रात में भी भरे हुए लगते हैं, उनको मालूम है तेरे को। मैं सुन रहा बेटा, कुछ अपनी जान पहचान की भी बुरा मानने की जबरदस्ती का ज्यादा बात करता नहीं मैं इतना गिरा। मतलब घर में बैठे तो बेटा कोरोना से, बाहर निकलो तो पानी में गड्ढे में आके मर जाओ वहां पे। मतलब आदमी को कैसे भी करके जीने मत दो, इससे इसका नक्सल्ला दबा कर कैसे इससे पैसे छीने ये देख लो बस तुम। वाह बेटा, अभी आने से बेटा चुनाव फिर ही आएंगे। गड्ढे भर दिए, गड्ढे भर दिए, अब तो 4.5 साल सूरत है क्या बुरीगंज के? पहले भर देते तू। अरे गलती नहीं है, जुर्म है जुर्म। देखिए देखिए चाचा, विपदा को अवसर में बदलना। हाँ तो बदल दिए ना बेटा, ये मोदी जी ने कहा है कि विपदा को अवसर में बदले। हमने क्या करे बेटा, हमारे शहर में हमने विपदा को अवसर में बदले। जहाँ पे हमको गड्ढे दिखे ना बेटा, हमने 4-5 लोगों को बुलाया, लड़कों को जो बेरोजगार है, उनको 4-5-6 मछली दे दी और मैंने बोला बेटा इसके अंदर मछली पालन का काम शुरू कर दो, उनको रोजगार भी मिल गया। गड्ढे की तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं है, विपदा को पूरा अवसर में बदला। अरे बुरी गत को शरम आ रही तुमको, कितना कितना बोल रहा हूँ, जाके अब तो गड्ढा भरा दो वहाँ पे। बीच में तो किस दिन गिर जाएगा ना पुल, उस दिन फिर कहना मेरे को। इसी बात नहीं चाहते, गड्ढे आपको ही दिखते हैं, शहर में वो लोग भी तो घूमते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। हाँ तो उन लोगों को तो गड्ढे नहीं दिखते। बोले गए साइड से निकल जाते ना, क्योंकि मालूम है यहाँ रुकेंगे तो लोग पकड़ेंगे, गड्ढा आएगा गाड़ी भी साइड पे कर लेंगे, गर्दन भी साइड कर लेंगे, निकल जाएंगे चुपचाप। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, या हमारे उनको जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? अरे जनता से क्या अपील करना मेरे को, जनता से क्या अपील करूंगा, जनता चुनाव जीत के आए लेके रे, इनसे करूंगा जिनने 5 साल के लिए कुर्सी लिए। अरे भैया थोड़ा हमारी तरफ देख लो, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े डग्गे हैं, वो 20-25 लाख के आज इतने मोटा धाका पाते हैं उसमें, अच्छा ही पता नहीं चलता। अब हमारी गाड़ी 20 साल पुरानी, बेटा एक बार गड्ढे में गिरेगी ना दूसरी बार कोई खरीदेगा नहीं उसको, हमारे भी नहीं, उसको थोड़ा बहुत गड्ढा उसको करवा दो, मैं तो बेटा गड्ढे में गिरा दूंगा अगले 5 साल बाद खाई जरा फिर बाद में गिर लगे। हाँ बुरी गज के, ठीक है चाचा ठीक है। तो आपके 3,000 ये लगे हैं, और 800 रुपए वो आज जो भी कर रहा हूँ उसको खा देना, नगद का बिल पहुँचाऊंगा मैं, फोकट का काम मेरे को होता नहीं। ठीक है, तो चाचा तो हमारे परेशान बहुत ज्यादा है चाचा। हाथ मत लगा बुरी गज के, मेरा हाथ के ऊपर हाथ टूटे लेना, मेरा हाथ टूटे टूटे, लेकिन ये हाथ से मुक्का मारूंगा ना बेटा तेरा, नक्सल फट डालूंगा क्या, गड्ढा भर देना रे, भर देना भर देना। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी इस गड्ढे से परेशान हैं और आपकी भी गाड़ी टूकाई है, आपको भी ऐसा लगता है कि भाई ये बड़ा गलत है, तो इस गड्ढे को, इस एपिसोड को और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि गड्ढे जो हैं बड़ी जल्दी भरा जाए। अबे ये गड्ढा कौन भरेगा, चलाएगा।